Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So, thumbnail देख के तो सबको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. हम लोग जा रहे हैं गोवा. पहली बार लाइफ में यार घूमने जा रहा हूँ मैं गोवा. तो इतनी खुशी मुझे. एक छोटा सा वो हो गया कि हमारी कैब लेट हो गई. तो अर्पिता आ रही है अभी कैब पे मेरे घर पे. यहाँ से हम फिर एयरपोर्ट जाएंगे. हमने ये मेरा और उसका भी पहला ट्रिप है गोवा का. और मतलब मेरे उसमें वर्ड्स नहीं बोलेंगे. तो हम यहाँ से चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट. पहले आज हम फिर से आ गए हैं. तो हम आप सबको बता दिया होगा अक्षत ने कि हम कहाँ जा रहे हैं. हाँ. तो फाइनली हम काफ़ी लेट हो चुके हैं. बट अक्षत काफ़ी गुस्से में भी है. ये रहता ही है, कोई बात नहीं. One eternity later. यार बस हम लोग अंदर जाके चेक इन कर रहे हैं. और देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. एक बार यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन सा QR कैमरा कोई दिखाना है QR कोड. गाइस हमें मिल तो गई है. हमने प्रायोरिटी चेक इन करा फटाफट क्योंकि और हम बहुत ज़्यादा तेज तेज भाग रहे हैं अभी. है ना. हाँ गेट 26 to 50 62 यहाँ से है. सो यार हमारा गेट नंबर है 56. और उन्होंने जब हमने मतलब चेक इन वेकिंग करा उन्होंने तो पहले तो वो कर नहीं देता. उन्होंने बोला 12 मिनट लेट हो क्योंकि एक घंटे पहले ना विस्तारा का चेक इन बंद हो जाता है. तो उन्होंने जैसे मर्जी करके कर दिया. उन्होंने बोला फटाफट जाओ आप क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी. 5 minutes later. सो गाइस यार हम लोग वेट करें और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं. हमारा ना बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे. है ना. बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और फाइनली बहुत गंदे वाला चल रहे थे. और उन्होंने बोला था कि फटाफट आप जाओ आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है. बट अब सही में मेरी भी कास में दर्द हो गई. और अभी यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं सर. अभी बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं है. देख सकते हो अभी ये रहा हमारा गेट नंबर 56. पहुंच चुके हैं गोवा. ओ गाइस हम गोवा लैंड कर चुके हैं गाइस. वाओ ये रही हमारी फ्लाइट. चलो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे अपना बैग कलेक्ट करने. और हमारा बूथ नंबर 1 है इसी पे ही आएगा. सो वी नीड टू वेट गाइस. अभी अक्षत हम जा रहे हैं अब यहाँ से एयरपोर्ट से निकल रहे हैं. अक्षत मेरा बैग उठाता हुआ कैसा लग रहा है. एग्जिट यहाँ से. तो हम यहाँ से जा रहे हैं. तो हम आपको बाहर जाके मिलते हैं. हम क्या करना है बाहर जाके वो आपको बाद में बताते हैं. ओके. हेलो. सो गाइस यार हम लोग बस सभी टैक्सी लिए हैं हमने. और बाहर का मौसम देख सकते हो बहुत ज़्यादा. यार वहाँ से निकल के हम लोग आ चुके हैं फाइनली. और हम लोगों ने ये रिजॉर्ट बुक किया था. और देख सकते हो बहुत प्यारा सा रिजॉर्ट है ये. एंड स्विमिंग पूल भी है इसके साथ में. तो बहुत प्यारा प्यारे से बन रखे हैं. अभी तो हम देखते हैं कुछ खाने का सीन क्योंकि हमें लग रही बहुत गंदी वाली भूख. बहुत ज़्यादा गंदी वाली भूख लग रही है हमें तो यार फिलहाल. और बहुत ब्यूटीफुल सा बना हुआ है. क्यूट सा एनवायरमेंट है. और
बाकी तो देखते हैं, भूख लग रही है, पहले भूख का सीन देखते हैं। सो गाइस यार वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं पूरा चिकन वकिन करके कुछ खाने की तलाश में, क्योंकि और रात के इस टाइम बज चुके हैं, कितने बज रहे हैं, 12:30, हाँ 12:30 बज चुके हैं। और देखते हैं यार इस टाइम कुछ अगर खाने को अच्छा मिल गया तो बढ़िया है, क्योंकि हम नॉर्मली यार हमें ना बेसिकली हमें डिनर करना है, नॉर्मल जो डिनर होता है वेज वाला, वेजिटेरियन डिनर ही करेंगे कुछ। और आगे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, पीछे था ये रेस्टोरेंट पर आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आगे कोई और अच्छा ऑप्शन था, कर देख गए इसी बहाने हम थोड़ा ये रोड भी एक्सप्लोर कर लेंगे। 1 बज गए रात के और हमने यहाँ पे मंगवाए हैं ये दम आलू, ये नान, ये वेज पुलाव एंड ये दाल मखनी। और अभी हम करते हैं अपना डिनर स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमारा ना रिजॉर्ट भी बिल्कुल यहाँ से सीधा जाके है। द नेक्स्ट डे, सो गाइस गुड मॉर्निंग। सो यार हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, और यहाँ से व्यू चेक करो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉटेजेस बन रखे हैं छोटे छोटे ना, तो हम सारे जो भी थे तो हम यहाँ पे कॉटेजेस में रुके, और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का। हाय गुड मॉर्निंग अप्पी। सो गाइस यार वहाँ से निकल के बस अभी हम लोग निकले हैं वहाँ से, और अब हम आए स्कूटी रेंट करने यहाँ पे, तो देखते हैं अभी कौन से हमें स्कूटी मिलती है दोनों में से, क्योंकि दोनों ही अच्छी लग रही है भाई, अगर येलो मिलते तो मोस्ट सही है। और बारिश, ऊपर से सुबह से बारिश आ रही है यार, और अभी 2 बजने वाले हैं और हम बैठ गए थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी। पहले तो यहाँ से स्कूटी रेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कब पहली हमारी डेस्टिनेशन की कहाँ जाते हैं। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं घूमी और स्कूटी भी, और इतने एक तो मौसम इतना अच्छा आ रहा है, ऊपर से इतना मज़ा आ रहा है कि तुम्हें बता नहीं सकते कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बीच पे, तो जिससे हमने स्कूटी बाइक की थी वो उन्होंने हमें बहुत सारे बीच बताया, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने पहले सबसे पहले बोला पेट्रोल डलवा लेना जाके, क्योंकि ये ना 1/2 लीटर पेट्रोल देते हैं, तो उन्होंने बोला फटाफट पहले जाके पेट्रोल डलवा लो, पहले तो हम चलते हैं यहाँ से पेट्रोल पंप। और ये रही हमारी स्कूटी, और अब ये रही गोवा की सड़कें, और इतना मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे स्कूटी चलाने में ना, कसम से मतलब एक अलग ही वाइब आ रही है ये ना, मतलब काफ़ी अलग एरिया टाइप लग रहा है कंपेयर टू दिल्ली, थोड़ा अलग है वाइब काफ़ी यहाँ की, गर्मी नहीं है अच्छी बात है। हाँ अब गाइस फटाफट ना यहाँ पे पहले हम रुक के ना साइड में एक बारी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे, कि उन्होंने बोला पेट्रोल पंप जाओ सबसे पहले, क्योंकि ये 1/2 लीटर पेट्रोल ही देते हैं, देख सकते हो 1/2 लीटर पेट्रोल देते हैं, तो वही होता है कि पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए, तो पहले पेट्रोल पंप देखते हैं। यार मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है एक बार यार यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये, लाइक सीरियसली मतलब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है गोवा में है, इतना मज़ा आ रहा है यार, देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर है, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, ये एक प्रॉपर ग्रीनरी, और ऐसी ग्रीनरी तो मैंने दिल्ली में नहीं देखी आज तक ना, प्रॉपर एक होता ना बहुत प्यारे व्यू पॉइंट्स। अभी तो बीच पे जाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल मतलब नेचर है ना यहाँ पे, लाइक मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से, और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाइब्स, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्कूटी चलाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है स्कूटी पे यार घूमने में यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है हम किसी डिफरेंट कंट्री में ही आ गए हैं, ऐसा इतना ग्रीनरी और इतना फ्रेश नेचर है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। और बैक कैमरे से मैं व्यू दिखा दूँ, अभी फिलहाल तो मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, रात को भी हुई है, सुबह भी अभी भी हो रही थी बूंदाबांदी जब हम निकले हैं होटल से, अभी शायद हल्की हल्की धूप आ जाए ना आए तो बेटर है, ऐसा मौसम ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज हमारी जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है फोर्ट करके, अग्वाडा फोर्ट, मेरे को हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना दे रहा हूँ बट, और यहाँ पे इतने कसिनो के बोर्ड्स हैं ना, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली यार गोवा में लोग कसिनो वसिनो बहुत खेलते हैं, ऑब्वियसली हम भी जाएंगे यार, अगर गोवा आए और कसिनो ना जाए तो गोवा आने का फ़ायदा नहीं है ना, तो हम भी जाएंगे कसिनो, वो भी या तो कल रात को जाएंगे और या तो परसों जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और यार ये देखो गोवा में ये जो है ना, हम ना ये देखते थे, मतलब हम ना बुक्स में पढ़ते थे कि ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, ये कोकोनट ट्रीज होते हैं, तो ये उसमें होते हैं गोवा में मिलते हैं ऐसे कोकोनट ट्रीज, और हम अब पहली बार ऐसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कोकोनट ट्रीज, है ना, बचपन में उसमें पढ़ते थे ना स्कूल में। शॉपिंग करने और अपने ने लिए कैब अभी तक तो, और देख रहे सो अपने एक कैप ली और एक ड्रेस ली है, ड्रेस नहीं ली सिर्फ कैप लिया,
और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी शॉपिंग करने के लिए रुके थे। मेरे को तो कैप्स अच्छी लगी नहीं थी जो मेरे पे सूट नहीं करी थी बट मेरे को ये है कि मैं वापस तो पहन नहीं पाऊँगा, तो अपने लिए ले ली यहाँ पे एक कैप। मैं इसी कैप में फोटो खिंचवा लूँगा, खिंचवानी होगी तो मैं चलते हैं अगुआडा फोर्ट। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये रहा अगुआडा फोर्ट। हम आए इसमें अगुआडा फोर्ट में जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है। सो गाइस यार यहाँ का सीन है 25 रुपीज़ पर बंदे की टिकट है इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरनर्स के लिए 300 रुपये भाई साहब। हाँ पर चैरिटी नहीं होती है फॉरनर्स के लिए ज़्यादा हर जगह। ये रहा एंट्री फोर्ट की, और यार ऊपर से ना बादल भी काले काले हो रहे हैं, मौसम ऐसे ही रहे है ना। और इसका आउटफिट बताना कैसी लग रही है इस एज यूजल। तो अभी देखते हैं यार इस फोर्ट में क्या है। पहले तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन ये फोर्ट है अगुआडा फोर्ट। ये रही यहाँ की एंट्री अगुआडा फोर्ट की, यहाँ से एंट्री है यार। ऊपर एनवायरनमेंट कितना सही लग रहा है। चलो जी इस फोर्ट के अंदर के पेंटिंग चल रही है और हमें कोई आइडिया नहीं है के बारे में। ये फोर्ट है गाइस। यहाँ से ना एक बहुत चलने के आने के बाद हमें पता नहीं था, कोई आईडिया नहीं था कि यहाँ पे लोग आ क्यों रहे हैं। पहले तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, जब हम यहाँ पे आए ना ये देखो गाइस ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा है ना। अभी कैसा लगा ये व्यू पॉइंट? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड अब यहाँ से और ऊपर मौसम चेक करो और इतना मतलब एक उतना ऐसे कोई ड्रीम डेस्टिनेशन पे और ज़्यादा सुंदर हो गया कसम से यार, बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से चलते हैं। पहले तो मेरे फ़ोन में 27% चार्जिंग हुई, बहुत जल्दी चार्जिंग में जा रही है। और यहाँ से देखते हैं और क्या क्या घूम सकते हैं यहाँ पे, मतलब कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं है देखना। ये देखो गाइस जेल था, ये देखो ये प्रॉपर जेल था। और यार क्या व्यू आ रहा है, आओ आगे मैं दिखाता हूँ। जेल की जो बाउंड्रीज होती थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इतना तगड़ा तगड़ा चीज़ें बन रखी हैं ना यार, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रखी हैं यहाँ पे। ये देखो आगे मैं जाऊँगा नहीं गाइस वरना मैं स्लिप हो सकता हूँ। ये देखो ये झील है पूरा, सो गाइस हम लोग वहाँ से घूम लिए फाइनली। सो गाइस वहाँ से फाइनली हम लोग इतना ब्यूटीफुल फोर्ट, और इतना ब्यूटीफुल फोर्ट क्या वो जेल था पुराना, उसको फोर्ट इन्होंने बना दिया। बट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था यार वहाँ से लेक का, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब मेरे लिए तो भाई फर्स्ट टाइम था, हम ना चल के जा रहे हैं ठीक है, चल चल के ऊपर से जा रहे हैं। हमें पता नहीं यार क्यों जा रहे हैं, क्या है यहाँ के ऊपर जाके, मैं फ्रंट कैमरे में बताता हूँ। लोग ना यार चल चल के जा रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं ऊपर है क्या एग्जैक्टली है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि ऊपर है क्या एग्जैक्टली, हमें तो समझ नहीं आ रहा। बट जैसे ही यार हमने मतलब दीवार, हाँ दीवार के उस साइड पे देखा ना, ऐसा व्यू था, मतलब मैं यहाँ पर क्लिप डाल रहा हूँ दोबारा यार। खुद बताओ कितना प्यारा व्यू था यार, कसम से हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है इस व्यू के। और इसके बाद तो हम एक और सेकेंड डेस्टिनेशन है, तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी आज की। उसके बाद एक और सेकेंड डेस्टिनेशन जो हमारी है उसके बाद ह्यूमिडिटी है, बस अगर रुक जाओ ना खड़े हो जाओ तो ह्यूमिडिटी लगेगी। बट बड़ा प्यारा सा वेदर फील हो रहा है कसम से, काफ़ी मतलब हाँ स्कूटी चल रही है तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अब गाइस इंक्लाइन वो डिक्लाइन मोड हो गया है, अब अपने आप चलेगी स्कूटी। मेरे भी पैरों में दर्द हो रहा है। चलो गाइस हम यहाँ से अब चलते आगे, मिलते हैं।
है सिक्वेरियम फोर्ट पे और बीच देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे, ये पॉइंट है बेसिकली, हम यहाँ पे चलते हैं। चल अभी ऐसे आप फटाफट लोग भाग भाग के जा रहे हैं क्योंकि आ चुकी है बारिश। देखो सारे लोग भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है, भाग भाग के जा रहे हैं, बारिश हो चुकी है। गाड़ी गाइस तेज, हम खड़े हैं एक इस पेड़ के नीचे तो मेरे को ज़्यादा नहीं फील हो रही है, बट ज़्यादा नहीं हो रही मेरे को यहाँ पे फील इस पेड़ के नीचे। वो सारे भाग भाग के आ रहे हैं। 5 minutes later गाइस, तो यहाँ पे आ चुकी है बारिश हो रही है, हो चुका है सब कुछ खाली, सारे लोग वहाँ पर शेड में जाके चले गए और इसके बाद हमने बेसिकली कुछ खाने ही जाना था तो हम जाके चेंज कर लेंगे तो बारिश के भी तो मज़ा लेंगे। देखो वहाँ पे सारे लोग बहुत जा रहे हैं और गाइस ये देखो यार, और मैं इतनी तेज़ बारिश आ रही है, ये देखो ये इसको देखो ये क्या मेरे बालों को प्रोटेक्ट कर रही है, बट हुआ तो नहीं है गाइस, लिटरली बहुत बारिश तेज़ आ रही है। मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, मेरे को देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश आ रही है, मतलब देख के पता चल रहा होगा कितनी तेज़ बारिश आ चुकी है। वो पूरा एरिया पॉइंट खाली हो चुका है, वो सिर्फ हमारे लिए बचा है, सिर्फ हम जाके वहाँ पे अब एंजॉय करेंगे। बारिश आ रही तो क्या हो गया भाई, बारिश में भी एंजॉय करेंगे, क्या हो गया, क्या बात है। गाइस और यहाँ से व्यू चेक करो, वो देखो अपने यहाँ से बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, और देख सकते हो अभी पूरी भीग चुकी है। आवाज़ सुनो जस्ट यार।